दोस्तों मैं हूं तेज और आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी हम निकले थे पंडरिया शिवनाथ नदी का उफान देखने के लिए, बट यहां से रास्ता है ब्लॉक होने की वजह से अभी हमें पूरा 15 किलोमीटर दूर है, पूरा घूम के जाना पड़ेगा। और यहां से जो पंडरिया की दूरी है मात्र 1 किलोमीटर। और अभी हम सरखोर से 16 से लवन से अहिल्दा के बाद परसाडी के बाद पंडरिया है पहुँचेंगे। और अभी हम 16 पहुँचे और ये है यहाँ का सरकारी नाला। और यहाँ पर भी थोड़ा सा बाढ़ वगैरह आया हुआ है, यहाँ से जो पानी है सड़क के ऊपर चल रहा है और यहाँ पे भी जो पानी की गति है तेज़ है। तो यहाँ पे हमारा जो गाड़ी है थोड़ा सा अनबैलेंस हो रही थी, हम लोग 2 लोग होने की वजह से गाड़ी है थोड़ा सा संभल गई, बट अब जब सिंगल होते तो इस ऐसी जगहों से थोड़ा सा सावधानी से गाड़ी चलाइएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी का अफरा तफरा है, मचा हुआ है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाए तो बाढ़ आ जाती है और इस बाढ़ की वजह से कई कुछ परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। और अभी हम फाइनली पहुँचे थे लवन, और यह लवन का अहिल्दा मोड़। यहाँ से आप बिलासपुर के लिए बस ले सकते हैं। वैसे तो बिलासपुर जाने के लिए कई रास्ते हैं, पहला तो भाटापारा होते हुए जा सकते हैं, दूसरा है चक्रभाटा होते हुए, और तीसरा है मस्तूली मल्हार होते हुए आप बिलासपुर है जा सकते हैं। और अभी हम पहुँचे हैं अहिल्दा, अहिल्दा के बाद अभी हम पहुँच चुके हैं, यह है चिचिड़दा मोड़, यह है चौराहा। तो यहाँ से जस्ट 3 किलोमीटर की दूरी पर है पंडरिया। इधर भी बारिश हुई बट इधर बाढ़ जैसी स्थिति है देखने को नहीं मिलेगी, बस खेत है थोड़ा सा भरा हुआ आपको देखने को मिलेगा। और अभी हम फाइनली 15 किलोमीटर की जो दूरी है तय करके अभी हम पहुंच चुके हैं पंडरिया। और यहाँ पे आपको बच्चे बूढ़े सियान से लेके काफ़ी सारे लोगों की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ट्रकों की काफ़ी लंबी लाइन है लगी हुई, क्योंकि गाड़ियाँ हैं 2 दिन से जाम है पड़ी हुई है, क्योंकि रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है। और यहाँ पर आपको काफ़ी भीड़ है देखने को मिलेगी, भीड़ देखने से ऐसा लग रहा है कि रास्ता है आना जाना स्टार्ट हो गया, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भीड़ देख रहे हैं वो शिवनाथ नदी पर जो उफान है उसी को देखने के लिए लोगों की यहाँ पर भीड़ है लगी हुई है। और यहाँ पे भीड़ देखने से ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा भीड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे है शिवनाथ नदी का पुल है, यही मेन जगह है। और यहाँ पे भीड़ की बात करें तो ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे मेले जैसा कुछ आयोजन हुआ है, ऐसा टाइप का फील है यहाँ पे आपको देखने से लगेगा। और ये रहा शिवनाथ नदी के उफान का 2रा दिन है, और यहाँ पे जो उफान है काफ़ी तेज़ है। शिवनाथ नदी की जो धारा है और बहाव है काफ़ी तेज़ है, और जो पानी है शिवनाथ नदी के ऊपर से चल रही है। अभी जो पानी है जो ब्रिगेड से उनके दूसरी पाइप को टच कर रही है, और यहाँ पे जो पानी है सड़कों के आसपास के हिस्सों को धीरे धीरे काटना है चालू कर दिया है। तो ये सड़क का ऊपरी हिस्सा है जिसको धीरे धीरे काटना है चालू कर दिया है। और आपको पुल है कुछ आपको कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जो पुल के जो ब्रिगेड्स है वहाँ पर कचरा है फंसे हुए हैं। पिछले बार है जो उफान है और ब्रिगेड्स पर कचरा काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जो ब्रिगेड्स हैं उनको सीधा उखाड़ के ले गए थे। और यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी, लोगों की भीड़ है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई मेले का आयोजन किया गया है, और ट्रकों के भी काफ़ी लंबी लाइन आपको देखने को मिलेगी। पास में एक मंदिर है और बच्चे हैं कुछ कुछ यहाँ पे पैसा निकालने का काम है कर रहे हैं। और यहाँ की भीड़ की बातें करें तो वाकई में यहाँ की जो भीड़ थी काफ़ी ज़्यादा थी, और यहाँ पे आसपास जो लोग हैं इकट्ठे हुए हैं सब है शिवनाथ नदी का उफान है देखने के लिए आए हैं, जिसमें मैं भी हूँ। मैं भी शिवनाथ नदी का जो उफान है उनको देखने और वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ आया था आप ही लोगों के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भली भांति भीड़ आपको आसपास चारों तरफ आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी। और अभी हम यहाँ पर शांत से बैठे हैं, मेरे साथ हैं मनोज भैया हैं। और अभी हम यहाँ से चलते हैं, और अभी मैं आपको ले चलता हूँ जो सरखोर डैम है वहाँ के, और आपको लेके चलता हूँ वहाँ का जो नज़ारा है क्या कुछ सीन आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये है पंडरिया गांव है जो शिवनाथ नदी से लगा हुआ है। फिलहाल तो भी ये जो गांव है डूबा नहीं है, शिवनाथ नदी से करीब से लगा हुआ है फिर भी। और यह जो गाँव है काफ़ी अच्छा गाँव है, और यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो ज़्यादा नहीं है, यहाँ आपको पटेल जाति आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ ध्रुव जाति भी थोड़ा बहुत है, 5-10 घर आपको देखने को मिलेंगे, और यादव भी आपको 5-10 घर है आपको देखने को मिलेंगे, और जो सतनामी जाति के हैं वो भी आपको 5-10 घर है यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और हम अभी आ चुके हैं पंडरिया के मैदानी इलाका साइड, और इधर भी काफ़ी ज़्यादा पानी है भरा हुआ है। और अभी हम यहाँ पे मरते मरते बचे हैं, जो कुत्ता है अचानक से दौड़ दिया था, और ये जो कुत्ता है अचानक से गाड़ी बरसात के दिनों में गाड़ियों के ब्रेक अच्छी तरह से वर्क नहीं करते हैं पानी में भीगने के कारण। अभी हम मरते मरते बचे हैं, और अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं सरखोर डैम के साइड। और यहाँ पे आपको एक साइड दिखाई देगा वो भी पानी में डूबा हुआ है, और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये है सरखोर पंडरिया रास्ता है,
यह जो यहाँ पे एक छोटा सा पुल दिखाई देगा जो मात्र 200 मीटर के आसपास होगा, इसी की वजह से हमें 15 किलोमीटर है पूरा घूम के आना पड़ा। और ये रहा सरफो डैम साइड का इलाका है, और इधर भी आपको पूरा चारों तरफ है पानी है, जलमग्न आपको दिखाई देगा। यहाँ से जस्ट थोड़ी दूर पे है सोनाथ नदी का पुल है, और यहाँ पे आपको शेड है डूबा हुआ दिखाई देगा। और यहाँ से भी आपको कुछ कुछ जगह है पानी मिट्टी के कटाव है आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग हैं दूर दूर से जो बाढ़ का उफान है उनको देखने के लिए आए हुए हैं। और अभी हम चलते हैं घर की ओर। अगर आप सोनाथ नदी का बाढ़ का वीडियो है, सरखुर गांव का बाढ़ का वीडियो है देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। और जब भी जहाँ से पानी है पुल के ऊपर से चलता हुआ दिखाई दे वहाँ पर आप गाड़ी है सावधानी से चलाइएगा, और साथ ही साथ जब भी आप ड्राइविंग करते हैं गाड़ी है सावधानी से चलाइएगा, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।